वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, मेरे साथ नंदन है। नंदन एक जर्मन रिसर्चर है जो कि जेएनयू में अपनी पढ़ाई कर रहा है। नंदन, अपनी दिक्कत बताओ। जी, मेरे गर्दन में दर्द था और लोअर बैक पेन था, जो अभी सेकंड सेशन है आज का। गर्दन का पेन जो है फर्स्ट सेशन के बाद थोड़ा रिलैक्स है, काफी रिलैक्स है। लोअर बैक पेन फीलिंग मच बेटर, बट आई होप तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए जो की बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, बैठने का काम करते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं लाइफ में, ताकि मेरे पास ना आए। अंदर एज कितनी है आपको? 36 है। तो थोड़े से इनके पोस्टल चेंजेस आ गए, तो रिसर्चर होने के कारण इनको काफी सारे आवर्स लिखने और पढ़ने में स्पेंड करने पड़ते हैं। तो ये अपने आप को स्टूडेंट समझते हैं, ये नहीं समझते कि ये 36 के हो गए। तो ये है इनकी दिक्कत कि एक घंटा इनको एक्सरसाइज में देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, है ना। अगर आप 50 साल को रिसर्च करते रहोगे तो क्या लड़की बने रहोगे? ऐसा तो नहीं है। जी बिल्कुल सही, समय के साथ साथ एक्सरसाइज की जरूरत है। लाल पहले करता था, अभी छूट गया, जिसका जाना ये है कि मुझे आपके पास आना पड़ा। कहाँ से हो आप? कहाँ के रहने वाले? मैं बेसिकली बिहार से हूँ, सिवान डिस्ट्रिक्ट। सिवान डिस्ट्रिक्ट से जी। आज लेटिंग है, मैं एडजस्टमेंट दिखाऊंगा। सर इधर। हाँ सर इधर। तो दिल्ली में कितना समय हो गया? दिल्ली में पहली बार 2007 में आया था। तो ग्रेजुएशन भी यहीं से किया? ग्रेजुएशन हाँ। वो किसमें किया था आपने? जर्मन में किया था। उट करेंगे, लंबी सांस लेंगे, छोड़ो। नाइस, ट्राई करेंगे बेटर। जो लोग भी देख रहे हैं, अगर आप लोगों के कोई सवाल है बायोमेट्रिक से रिलेटेड, दवाइयों से रिलेटेड, किसी जॉइंट पेन से रिलेटेड, या बहुत समय से कोई दवाइयां खा रहे हैं और कोई आराम नहीं मिल रहा, घरेलू चीज हम दवाइयों पर सपोर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ उन सप्लीमेंट्स पे सपोर्ट करते हैं जो कि अनिवार्य होते हैं, जो हमें सबको देना चाहिए। आपको भी नंदन एक मल्टीविटामिन, और आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन? दोनों है। फिर आपकी सब चीज की जरूरत नहीं, बस एक्सरसाइज पे ही फोकस करें। और जो भी लोग स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, काम करते हैं, मल्टीविटामिन की तरफ एक गोली जरूर खाएं। और कोई भी सवाल हमसे जरूर पूछें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। थैंक यू।